गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज आप सबके लिए स्ट्रक्चर की ओपनिंग लेके आया हूँ और स्ट्रक्चर की एक से बढ़ के एक बेहतरीन ओपनिंग्स लेके आया हूँ, जिसमें कुछ ईटीएफ्स के ऊपर है, कुछ स्टैटको के ऊपर है, कुछ आरसीडीसी के ऊपर है, कुछ ऑटोकैड और स्टैट प्रो के ऊपर है। इस तरीके से मिक्स ओपनिंग से चलिए फटाफट सारी ओपनिंग्स को देखता हूँ। बट उससे पहले आपकी छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कि आप ये स्ट्रक्चर्स गुरुकुल की जो 4 मंथ की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की जाती है उसकी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि स्टार्ट हो रही है 5 मार्च से। ठीक है, इसी 5 मार्च से स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हो कि डेप्थ ट्रेनिंग मुझे करना है बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है, और यह ट्रेनिंग कोई ऐसा नहीं कि स्टैट प्रो में बस ये सीखना है, ये टूल सीखना है, नहीं, ये ट्रेनिंग होती है गाइस पूरी की पूरी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। मतलब जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कंपनी का, जो इस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आप चाहते हो कि सर इंडस्ट्री बेस्ड सीखना है, ठीक है, और फोकस्ड हो, ठीक है, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अपकमिंग सैटरडे और संडे को वेबिनार करेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का वेबिनार होगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को चाहिए क्या, कैसे वो कैरियर बना सकते हैं, क्या क्या सीखना पड़ता है, और कैसे एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड है कंपनी को उस तरीके की चीजें कैसे हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि कैसे होता है कि आप स्टैट प्रो पढ़ते हो, आप बहुत ढेर सारे वीडियोस के थ्रू पढ़ लेते हो, कई जगहों पढ़ लेते हो, बट स्टैट प्रो में काम क्या चाहिए कंपनी को, क्या वो काम उनको आ रहा है, क्या क्या हम इंडस्ट्री के लिए आई स्पोर्ट्स को यूज करके उस तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं क्या। अगर आप इस तरीके की ट्रेनिंग देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो क्या बोलते हैं, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, ज्वाइन कर लीजिए। सैटरडे संडे को डेप्थ में डिस्कस करूंगा, अभी आज जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ओपनिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसको भी अपना कैरियर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर बनाना है, बाकी लोग ना करें क्योंकि मतलब नहीं निकलेगा। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में जानना है तब आप उसको करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत है, कनेक्ट होकर क्या करोगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अगर आपको करियर बनाना है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन सी ओपनिंग्स है। तो एक ओपनिंग है वाल्टर पिमोरे की, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वो भी पुणे की कंपनी है। तो जो लोग भी अपना करियर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में देखना चाहते हैं, जिनको ईटीएफ्स आता है, जिसको सेफ आता है, अभी मैंने रिसेंट ही अपनी जो अपकमिंग जो 5 मार्च से बैच स्टार्ट होगी उसमें मैंने एसएपी भी डाल दिया, क्योंकि बहुत ढेर सारी कंपनी एसएपी बार बार पूछ रही थी, हमने कहा चलो इसको भी कर देते हैं। तो एसएपी भी कर दिया, सेफ भी कर दिया, ईटीएफ भी कर दिया, तो अपनी ट्रेनिंग पूरी की पूरी कैसे रहेगी, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहे तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, ये है कैसेक इंजीनियर्स करके कंपनी है, जो कि इनको एमटेक चाहिए, कुछ कंपनी को बीटेक चाहिए होता है, कुछ कंपनी को एमटेक चाहिए होता है। अगर आपको वो क्या बोलते हैं, आपने एमटेक किया हुआ है, स्ट्रक्चर में अच्छा नॉलेज है, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, बेहतर कंपनी है, मैं काफी अच्छा जानता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। नहीं, जो नेक्स्ट कंपनी है गाइस वो है कैस्टोन, मुंबई की एक अच्छी कंपनी है, जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए इनको चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से अप्लाई करिए, इनकी कंपनी के वेबसाइट पर जाके, वहाँ कैरियर्स में जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू भी अगर अप्लाई करेंगे तो जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि लिंक्डइन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और पैकेज आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन पैकेज है। तो ऐसी जो कुछ कंपनियां होती है बहुत अच्छे पैकेज देती हैं। नेक्स्ट जो कंपनी एक छोटी कंसल्टेंसी है, जिनको जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, अब इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर जितनी चीज आप देख रहे हो, ईटीएफ, सेफ, आरसीडीसी, सेफ और स्टैटको, ये सब कुछ मैंने अपने इस अपकमिंग जो 5 मार्च की ट्रेनिंग है इसमें ज्वाइन कर दिया है। सॉरी, और यहाँ पर आपका मेल आईडी से आप फटाफट यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो दे दीजिए, अगर बनाया है तो उसके साथ रिज्यूम अटैच कर दीजिए, बहुत ज्यादा चांस होगा कि आपको रिस्पॉन्स आ सकता है, ये मुंबई की कंपनी है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, ये देवांग सूत्रा एसोसिएट करके कंपनी है, जिनको कि स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर चाहिए। आप अप्लाई करते समय देखिए कि मुझे वो चीजें आती हैं कि जो इनको चाहिए, जैसे कि आपको आरसीसी के बारे में आता है क्या, आपको स्टील के बारे में आता है क्या, आपने बी किया हुआ है सिविल में क्या, आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है क्या। चलो 3 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि हो, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और नॉलेज आपका अच्छा है तो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो देखिए जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वही वही रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये आपको आईएएस कोर्स भी हम लोग ट्रेंड करते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। ये आईएएस 1 1 10 थीसिस में के लिए, डक्टाइल के लिए, स्टील के लिए, तो इनको ये चीजें चाहिए और यही चीजें आपको जानना चाहिए। और इनके देखिए डायरेक्ट मेल आईडी दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट मेल आईडी पर अप्लाई कर दीजिए, जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, वो कंपनी है क्या बोलते हैं, स्मार्ट हाउसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलो दिल्ली घूम के आते हैं, तो ये दिल्ली की कंपनी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए ओपनिंग से इनकी।
देखो इनकी क्या जरूरत है, इनकी जरूरत है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर चाहिए इनको, जो कि कैलकुलेशन कर सके, ड्राइंग बना सके और क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर सके स्ट्रक्चर का, कि सेफ है कि नहीं है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट पार्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है सीखने के लिए एक बेहतर कंपनी है आपके लिए, तो इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। देखिए इनकी भी रिक्वायरमेंट क्या है, वही लगभग है जो पुरानी कंपनी को, मतलब स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स मतलब लगभग यही रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और इनकी जो पैकेज है आप देख सकते हो, एज पर योर नॉलेज आपको मिलेगा। नंबर भी दिया है तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो प्लानिंग एंड डिजाइन ब्यूरो करके है, और जो कि न्यू दिल्ली के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर्स के लिए। आप देखिए इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनको स्टैटको और ईटीएफ का अच्छा नॉलेज चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम आपको देने ही वाले हैं, और अगर क्या बोलते हैं अप्लाई करते हैं तो बेहतर है। जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया गाइस, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लोग वीडियो में प्लीज कमेंट करना नीचे कि आपको किस प्रोफाइल की ओपनिंग्स आप सर्च कर रहे हो, क्योंकि मैं बीम और स्ट्रक्चर्स की कंटिन्यू ओपनिंग्स आपको दे रहा हूँ। और भी किसी प्रोफाइल का सर्च करो तो प्लीज डू कमेंट, सो दैट वी कैन सर्च फॉर यू द बेस्ट कंपनीज ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है सो दैट इज योर ट्रेस्ट वेल करके कंपनी, स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए, ठीक है, और ये गुड़गांव की कंपनी है। इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स आपको डिजाइन कर सके, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर सके, इस तरीके का नॉर्मल काम है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगर आप चाहें तो इनके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनके अभी लगभग वही सॉफ्टवेयर मांग रहे हैं जो सॉफ्टवेयर पीछे मांग रहे थे, ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस ये है मेस्टो आउट टेक करके है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो दिल से माफ कर देना, ठीक है। यहाँ पर गुड़गांव की कंपनी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर की ओपनिंग से गाइस, और इनको जो जो चाहिए देखिए, इनको स्टैटको चाहिए, टेक्ला चाहिए, ऑटोकैड चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो पोर्टफोलियो बनाइए, फटाफट इनको भेज दीजिए, और जब पोर्टफोलियो बना के भेज देंगे तो बहुत जल्दी चांस होगा आपके रिस्पॉन्स आने का। नेक्स्ट जो कंपनी का है वो एस्पायर लेडर्स करके कंपनी है, जिनको स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स चाहिए, क्या बोलते हैं, और एस्पायर लेडर्स में ये कंपनी है नोएडा के लिए। तो अगर क्या चाहिए इनको, देखिए रिपोर्ट बनाना आपको आना चाहिए, डिजाइन बनाना चाहिए, ड्राइंग बनाना आना चाहिए, ठीक है, लोड्स के कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। तो बोलते हैं बहुत सिंपल सिंपल वर्क है और पैकेज भी बेहतरीन मिल रहा है, ठीक है, और लगभग सॉफ्टवेयर भी वही चाहिए जो पीछे आपको दिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है द एसीए एसोसिएट करके, जिनको सीनियर स्ट्रक्चर किया, सीनियर नाम दे दिया मतलब एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस। बट यहाँ पर लिखने के लिए वो 8 से 10 साल लिखेंगे, 8 से 10 साल तो नहीं कंसिडर होता है, तो अगर 3 ईयर भी होता है तो। और ये कंपनी देखिए इनको एलओडी मतलब बीआईएम का भी काम करती है कंपनी, तो अगर आपको बीआईएम का भी नॉलेज है तो ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं कई लोग को बोलता हूँ कि अगर आपने स्ट्रक्चर सीखा हुआ है साथ में अगर आपने बीआईएम भी सीख लिया है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है जी, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है एईसी एसोसिएट करके, जिनको क्या बोलते हैं सेम कंपनी है बट इनको स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए। वहां पर क्या था, यहाँ पर स्ट्रक्चर सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए था इनको, यहाँ पर इनको चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्लस मॉड्यूलर, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए स्ट्रक्चरल बी मॉड्यूलर, स्ट्रक्चर बी मॉड्यूलर के ज्यादातर काम गाइस किस पे रहता है, रेवी स्ट्रक्चर पर रहता है या फिर टिकला स्ट्रक्चर पे। देखिए इनका किस पे काम है, देखिए इनका काम जो है वही है लेवल ऑफ डिटेल्स मतलब रेविट पे काम करेंगे लोग, सॉफ्ट ड्रॉइंग बनवाएंगे आपसे, ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है रेविट, ऑटोकैड और नेविसर, ठीक है, तो ये कंप्लीटली बीम की प्रोफाइल है, तो बीम वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो कंपनी है बाराक एंड ब्रेजोस इंजीनियरिंग्स, जो कि बेंगलोर की कंपनी है, जिनको मास्टर्स डिग्री या फिर बी सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। स्टेट्रो का नॉलेज इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एनसिस का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नेविसवर का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और एक्सपोजर्स टू यूरो और अगर आईएस कोड और एसीआई कोर्स का नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से ये आपको चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो कंपनी है ब्यूरो हैप्पी ओल्ड करके, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए चाहिए, इनको बैंगलोर के लिए ओपनिंग चाहिए, और इसमें क्या बोलते हैं इनको जो जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है, स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है और उसके बाद ऑटो कैड का रिक्वायरमेंट है, और 3 to 6 ये लिखा है, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है दैट इज यू कैन बी अप्लाई फ्रॉम दैट। नेक्स्ट जो कंपनी गाइज वो टीआरसी इंजीनियरिंग करके बैंगलोर के लिए, ठीक है, जिनको चाहिए कि ईटीएफ स्टैटको और रेविट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऑटो कैड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट कैरियर्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इनकी। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंजीनियर की प्रोफाइल है, जो कि एच एन मल्टी वर्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि जिनको स्टैटप्रो चाहिए, रीसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं सॉरी, और इसके बाद इनको पाइप्स वगैरह के रिलेटेड अगर नॉलेज आपके पास है तो प्लस पॉइंट होगा।
इनको भी वही SAP ETABS और स्टैट को चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आप चाहें तो इनके यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है शू निर्मल इंजीनियर्स करके है, ठीक है, जो कि कंपनी है। यहाँ पर देखिए इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मुझे लग रहा है, शू निर्मल इंजीनियर्स, जो कि सिविल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप ना अप्लाई करें तो बेटर है, क्योंकि इनको PLC चाहिए। PLC जो है इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है क्या बोलते हैं MM जैन करके, जूनियर सिविल इंजीनियर को चाहिए, जहां तक इसमें साइट वर्क भी होगा। ऑटोकैड का नॉलेज इनको फिक्स है कि आपको आना ही चाहिए। देखिए सर्वे प्लानिंग सब कॉन्ट्रेक्टर कुल मिला के साइट इंजीनियरिंग का जॉब है, तो जो लोग भी नासिक से हैं अगर चाहे तो इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उनको डिजाइन इंजीनियर चाहिए गाइस। डिजाइन इंजीनियर मतलब स्टैटो और कैड का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो ये डिजाइन इंजीनियर के लिए एक ओपनिंग है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है MB पाटिल कंस्ट्रक्शन इंडिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड औरंगाबाद के लिए है। इसमें भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं 7 ईयर्स का स्ट्रक्चर इंजीनियर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, नेशनल हाईवे में, ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में, स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन में, ऐसे करके। उसके बाद है PT इंजीनियरिंग लिमिटेड करके, जो कि औरंगाबाद की कंपनी है गाइस। इनको चाहिए कि आपके पास बेहतरीन नॉलेज हो किस चीज का। यहाँ पर देखिए डिटरमाइन द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शंस एंड इंश्योर, तो ये लगभग साइट से रिलेटेड कंपनी है, तो अगर आप चाहें तो इनके अप्लाई करिए, बट जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा सिविल वर्क इनके यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है ये बेहतरीन कंपनी है, FI कंसल्टेंट करके, F1 कंसल्टेंट, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर स्टैटो ETABS टेक्ला का नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है ये कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है वुड के रिलेटेड कोलकाता में। कोलकाता में इनको चाहिए सिविल इंजीनियर्स चाहिए, और इसमें स्ट्रक्चर्स का आपके पास अच्छा नॉलेज हो, और इसके लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। तो ये थे कुछ विशेष ओपनिंग्स जो आपको दिखे यहाँ पर, जो टॉप ओपनिंग्स है ये मैंने स्टार्टिंग से टॉप 20 ओपनिंग्स बता दी है। सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मिल जाएगा। जिनको भी स्ट्रक्चर्स में अपना करियर बनाना है विदाउट एनी लेट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेप्थ ट्रेनिंग मिलेगी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कंप्लीट। और बहुत जल्दी एक आपके लिए बहुत गुड न्यूज लाने वाले है, बस रहिए साथ में लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो गुड न्यूज भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।